राज्य में आवारा पशुओं और नीलगाय से फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत के चारों तरफ तारबंदी करना एक महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलन योजना के अंतर्गत किसानों को कांटेदार तारबंदी बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को तारबंदी पर दिए जाने वाले अनुदान, पात्रता, शर्त, आवेदन प्रक्रिया, तारबंदी की बनावट पर बात करूंगा। मोटे तौर पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से एक साथ तीन किसानों को अनुदान देती है। आइए समझते हैं विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसान भाइयों, इस वीडियो को आपकी सुविधा के लिए 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पात्रता, नंबर 2 शर्तें, 3 दस्तावेज, 4 आवेदन प्रक्रिया, 5 स्वीकृति। इसी क्रम में समझते हैं आइए कि इस योजना के लिए क्या पात्रता है। सभी वर्गों के किसान इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ 3 किसानों को ग्रुप में दिया जाता है। इन तीनों किसानों के पास न्यूनतम जमीन 3 हेक्टेयर होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 400 मीटर तीनों किसानों को मिलाकर 1200 मीटर तारबंदी पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। गौर मतलब है कि तीनों किसानों को मिलाकर न्यूनतम 3 हेक्टेयर जमीन पर कांटेदार या चैनलिक तारबंदी करनी है। उसमें से 1200 मीटर पर आने वाले खर्च को सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, जबकि इस योजना में राज्य सरकार तीनों किसानों को सामूहिक रूप से 1,20,000 रुपए का अनुदान देती है। बाकी वे किसान को अपने पास से करना है। न्यूनतम 3 हेक्टेयर जमीन कवर होनी चाहिए। अधिकतम कितनी भी जमीन पर किसान तारबंदी बना सकते हैं। बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है शर्तें। किसान के स्वयं के नाम से जमीन न होने की स्थिति में, यदि उसके पिता जीवित हैं, यदि पिता के मृत्यु पर्यंत नामांतरण नहीं हुआ है, तो किसान नॉशनल शेयर होल्डर का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा। मैं जमाबंदी इसके साथ एक सरपंच का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें सरपंच पुष्टि करता है कि अमुक किसान परिवार से अलग रहता है और उसके नाम से राशन कार्ड और नरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है। किसान भाइयों, 3 किसानों के ग्रुप में पति पत्नी को पड़ोसी नहीं माना जा सकता है। पति पत्नी एक ही इकाई है। भाई माँ बेटे या 2 भाई एक बहन या 2 बहनें एक भाई या अन्य किसी भी वर्ग के किसान को समूह में शामिल किया जा सकता है। तारबंदी बनाने वाले खेत के जियो टैगिंग होती है, वहां पर पूर्व में किसी भी प्रकार की किसी भी दिशा में तारबंदी नहीं होनी चाहिए। तारबंदी बनाने के बाद विद्युत करंट प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तारबंदी विभागीय मापदंडों के अनुसार नहीं बनाने पर उसका भौतिक सत्यापन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में किसान को अनुदान नहीं मिलेगा। स्टेप 3 है दस्तावेज। जन आधार कार्ड जिससे मोबाइल नंबर लिंक हो, उस पर OTP आती है, उसके बाद आवेदन की आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जमाबंदी जो कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। नक्शा और गिरदावरी आधार कार्ड। स्टेप 4 आवेदन। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आवेदन पत्र को ई मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल से डाउनलोड करना है। इस आवेदन पत्र को आप मेरे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिख करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र को भरकर ई मित्र पर देना है। ई मित्र उपयोगकर्ता इस आवेदन पत्र को ऑनलाइन ई फॉर्म में भरेगा, दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेगा। ई मित्र कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा। इस रसीद को मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है और वे सभी दस्तावेज जो अपलोड किए गए हैं उनको भी मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके फाइल करके संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करवाएं। किसान इन दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि अपने पास। अंतिम और भाग नंबर 5 है स्वीकृति। किसान भाइयों, प्रत्येक वित्त वर्ष में कितने किसानों को लाभान्वित किया जाना है। राज्य सरकार प्रति वर्ष यानी कि प्रति वित्त वर्ष इसके लक्ष्य आवंटित करती हैं। उसी अनुरूप किसानों को तारबंदी बनाने की स्वीकृति प्राप्त होती है। सामान्यतः कृषि विभाग में किसी योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाता है, लेकिन यदि किसी जिले में कुल लक्ष्यों के 1.5 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो लॉटरी की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉटरी की प्रक्रिया में पूर्व में आवेदनकर्ता किसान वंचित रह सकता है, वहीं बाद में आवेदन करने वाला किसान चयनित हो सकता है।
तो ये था आज का वीडियो। इसके अगले वीडियो में मैं आपको तारबंदी को किस प्रकार बनाया जाता है उसकी बनावट के बारे में बताऊंगा, तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये एक फॉरम देख रहे हैं, तो इस फॉरम के अंतर्गत ऊपर लिखा हुआ है सामूहिक और लाइन तारबंदी कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना पत्र वर्ष 2021-22। तो इसमें आप सेवा में जो यहाँ पर लिखा है, जो भी जिला है उस जिले का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ ना सहायक निदेशक कृषि विस्तार उप जिला, जिला जो है आपका वो प्रणाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में आप ये जो नीचे के कॉलम दिखाई दे रहे हैं इनमें किसानों के नाम लिखेंगे। न्यूनतम 3 किसान एक ग्रुप होता है, 3 किसान और अधिकतम यहाँ तक जो है नाम लिखेंगे आप। उसके आगे उनके हस्ताक्षर कराएंगे। उसके बाद चलते हैं नंबर 2 फार्म पर। ओके, ये रहा दूसरा फार्म। इस पर लिखा हुआ है ऊपर ऑनलाइन तारबंदी कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना पत्र वर्ष 2021-22। तो लेफ्ट जो मध्य में वही उपजिला और जिला जो आपका है वहाँ पर लिखेंगे, और राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर फोटो चिपकाना है। उसके बाद में किसान का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, पंचायत का नाम, तहसील, जिला, मोबाइल नंबर, जाति, आधार कार्ड संख्या, जन आधार कार्ड संख्या, कृषक की कक्षा यानी कौन सी कैटेगरी का, एससी एसटी जनरल जो भी है, ज़मीन का विवरण देना है, आपको लिखना है सिंचित कितने हेक्टर में, असिंचित कितने हेक्टर में, कुल ज़मीन कितनी है, खसरा नंबर कितना है जिसमें तारबंदी बनाना है, सिंचाई के लिए क्या है, ट्यूबवेल है या वर्षा का जल है, क्षेत्र सीमा का नजरिया नक्शा। यहाँ पर एक आपको नक्शा बनाना होगा, एक जो दूसरे पेपर पे वो कृषि पर्यवेक्षक ऐसा कृषि अधिकारी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। आप खेत किस आकार का है, गोलाकार है, चतुर्भुजाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, जो भी आकार लिखा जाएगा। उसके बाद में उत्तर दिशा में किसका खेत है उसका हस्तकार और उसके पिता का नाम लिखा जाएगा। दक्षिण में किसका खेत है उसका नाम लिखना है। पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में किस किस का खेत है उसके नाम लिखे जाएंगे। फिर कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक शाखा का नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, खाता संख्या, समूह में सम्मिलित कुल कृषक। ये बैंक वही होना चाहिए जो आपका जन आधार कार्ड से लिंक है और उसी के आईएफएससी कोड वगैरह आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ नीचे देखिए लेफ्ट साइड में गवाह के हस्ताक्षर होंगे और राइट साइड में किसान के हस्ताक्षर होंगे। ओके, नेक्स्ट फार्म। अगला जो फार्म है एक शपथ पत्र है जिसमें ये घोषणा की जाती है कि किसान ने इससे पूर्व तारबंदी पर किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं किया। इसमें से जो 3 किसान हैं या 5 का ग्रुप है जो भी है उसमें से किसी भी किसान ने किसी अनुदान तारबंदी पर नहीं लिया होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे कृषक समूह में सम्मिलित अन्य कृषकों के नाम निम्न प्रकार हैं। तो 3 किसानों को इस तरह के फार्म तैयार करने पड़ेंगे और वो एक दूसरे के नाम लिखेंगे, या 3 का ग्रुप हो सकता है, 5 का ग्रुप हो सकता है। तो ये जो मैं फार्म बता रहा हूँ ऑफलाइन, पहले इस फार्म को पूरा भरना है। इसके आधार पर ई मित्र कियोस्ककर्ता पूरे फार्म को ऑनलाइन करेगा, फिर ये फार्म जो है ऑफलाइन जितने सारे डॉक्यूमेंट ई मित्र पर लोडेड किए गए हैं वो सारे इसके साथ में संलग्न करना और एक फाइल तैयार करके कृषि विभाग में जमा कराना।